चौदह का वो दिन छब्बीस मई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और कल यानी कि 26 मई जब मोदी सरकार को हो जाएंगे चार साल मोदी सरकार के चार साल कितने रहे कामयाब और कितने रहे नाकामयाब युवाओं को लेकर रोजगार की बात कही थी जीएसटी नोटबंदी का भी जिक्र करना चाहूंगी कि क्या आखिर जीएसटी और नोटबंदी ने आम जनता के लिए मुसीबतें खड़ी की या फिर उनके लिए फायदेमंद साबित हुई साथ ही महिलाओं की सुरक्षा इसके साथ ही बात करूंगी और भी कई अहम मुद्दे हैं लेकिन बात करूंगी सबसे पहले युवाओं को लेकर जो कि रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है पीएम मोदी अपनी रैली में बढ़ चढ़ युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है अगर युवा पढ़ लिख गए समझिए हमारे देश का विकास जो है देश का भविष्य बहुत उज्जवल है लेकिन युवाओं क्या युवाओं का क्या वो पकौड़े बेचेंगे जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था एक बयान दिया था कि अगर कोई युवा पकौड़े भी बेच रहा है तो वो भी स्वरोजगार है बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि अगर कोई इंसान अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा इसमें मुश्किल क्या है लेकिन सवाल यह कि अगर यहां पर कोई युवा बहुत बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी फीस देके पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो पकोड़े बेचेगा मेरे साथ बहुत बड़ा एक युवा का देख सकते हैं आप यहाँ पे युवा मौजूद हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से वो कितना इतफाक रखते हैं और साथ ही उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर मोदी सरकार के चार साल को वो किस तरह आकते हैं एक युवा होने के नाते सबसे पहले मैं बढ़ूंगी इन युवा की तरफ और जो बताएंगे हमें कि आखिर वो मोदी सरकार के चार साल से कितना खुश हैं, कितना नाखुश और साथ ही उनसे पूछूंगी पकौड़े बेचने के बयान पर उनका क्या कहना है क्या लगता है आपको क्या क्या सोच है आपकी मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिला जितना उन्हें वा, उन्होंने वादे किए थे कि इतनी नौकरियां मिलेगी युवाओं को लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा और अगर कोई इतना पढ़ लिख के पकौड़े ही बेचने हैं तो फिर वो इतना पढ़े ही क्यों चलिए इतना इतना पढ़े ही क्यों इतना करे ही क्यों उनका इन, इन, कहना है चलिए मेरे पास सात एक और युवा है उनसे पूछते हो कि आखिर उनका क्या मानना है मोदी सरकार के चार साल क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल कैसे आगती हैं आप मैम जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी का ये पकोड़े बेचने की बात करी तो बात उन्होंने सिर्फ पकोड़े बेचने की नहीं करी थी उन्होंने बस एक एग्जाम्पल दिया या ऐसे बस बोला कि आ, हम अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं उनका मेन पॉइंट ये नहीं था कि आप पकोड़े ही बेचें ये उसमें ये हो सकता है कि उन्होंने जैसे कि जिसके पास पैसे है नहीं उसके लिए भी छोटे छोटे से लोन डिवाइड है जैसे कि जो स्वरोजगार खोलना चाहता है उसके लिए पचास लाख तक का लोन ऐसे आप ले करके खोल सकते हो तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस

कि उन्होंने पकोड़े वाले बयान पे ये नहीं बोला था कि पर्टिकुलर कि इंसान को पकोड़े ही बेचना चाहिए बट उन्होंने जो किए थे रोजगार को लेके अभी तक तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है मैं इनकी बात से आग्री हूँ बट जितनी हो कम से कम लोगों को उतनी तो मिले बट वो भी नहीं मिल रही और क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार के मैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि उन्होंने जो किसानों से वादे किए थे जो देश का पेट भरता है आज के दिन वही सूली पे चढ़ता है वही भूखा रहता है आत्महत्या कर रहे हैं जैसे कि अब उन्होंने अपना बजट लेके आए है वो लोग उसमें अब जितना भी मैंने नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ा है किसानों को लेके उन्होंने ज्यादा ही हवा मतलब जुमलेबाजी की है वाकई ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जुमलेबाजी में ज्यादा बिलीव करती है मेरे साथ एक और युवा है पूछना चाहूंगी मोदी सरकार के चार साल को किस तरह से रखते हैं क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल से कितना खुश है ना खुश या कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने इंटरनेशनल लिंक्स बनाए हैं हम इससे मना नहीं करते बट उन्होंने हमारे देश में क्या किया डिमोनेटाइजेशन किया जिससे लोगों को कई कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ा उन्होंने नौकरियों देने का वादा किया एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था वो नौकरियां किसको मिली हैं अब तक तो किसी को नहीं मिली जम्मू कश्मीर से धारा तीन हटाने के लिए कहा गया था वो कहाँ हटी हमारे देश से उससे इतना बड़ा बवाल होता है हमारे देश में बार बार बवाल होता है वो कहाँ हटी हमारे देश से तो यानी कि कुल मिला के क्या कहना है खुश या ना खुश ना खुश मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उनकी सरकार से जी वाकई बिल्कुल ना खुश है इनका कहना है आपको क्या लगता है मैम 2000 के इलेक्शन में जनता उन्हें जज करने वाली है इन बेसिस पर यस yes, मैम और दूसरा मैं कहना चाह रही थी कि वुमेन्स इशू है और जो धार्मिक मुद्दों पर विवाद खड़ा कर देती हैं इशू की बात की आगे बढ़ूंगी वुमेन्स महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बहुत बड़े बहुत बार घेरा गया मोदी सरकार को कठुआ कांड और ना कांड का जिक्र करूंगी रेशियो लगातार बढ़ रहे हैं मोदी सरकार में आपराधिक स्तर के महिलाओं के खिलाफ क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ किया गया या नहीं महिला सुरक्षा को लेके मोदी सरकार ने तो कोई खास कदम नहीं उठाया है बल्कि उनका मेन ध्यान तो यही रहा इंटरनेशनल अफेयर्स ठीक करना या इन सब जगह में ही उनका मेन ध्यान रहा अब नोटबंदी की बात ले लें तो उसमें भी उन्होंने क्या किया बेसिकली हमारी कंट्री प्रिपेयर थी ही नहीं नोटबंदी के लिए पर फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में आके नोटबंदी की और उसके ड्रॉबैक्स कितने खराब है हमारी कंट्री की इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट इतनी गिर गई वैसे ही मोदी सरकार के चार साले खुश है या फिर ना खुश है नाखुश ना खुश है, ना 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 है।, ना है ना खुश युवा बिल्कुल ना खुश है इनका कहना है कि मैं बिल्कुल भी उनका कहना है कि खुश नहीं है वो एक युवा होने के नाते मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल से चलिए पूछते हैं आपसे क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल को किस तरह से आते हैं मोदी सरकार ने मतलब थोड़ा काम किया लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जैसे लोगों को बोला था नौकरी देंगे लेकिन उस हिसाब से नौकरी नहीं मिली किसी को भी और आज के टाइम में अगर उन्हें अगर कुछ ठीक करना है तो हमारे दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है अगर कोई एम, अगर कोई इमरजेंसी में जा रहा है तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस फंसी रहेगी वो इंसान वहीं पे ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा खुश या ना खुश मोदी सरकार के चार साल नहीं बिल्कुल भी ना खुश है आप बढ़ते युवा की तरफ उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है मोदी सरकार के चार साल पे मोदी सरकार के चार साल से खुश है या ना खुश? पहले ये बताइए मैं मोदी सरकार के चार साल से खुश हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं जैसे कि जनधन योजना जो लोग मतलब अकाउंट नहीं खोल सकते वो जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट खोल सकते थे ये जनधन योजना और सब्सिडी दी लोगों को जो लोग पॉवर्टी बिलो पावर की लाइन थी उनको सब्सिडी दी जाए तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली जैसे आवास योजना तो लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ है मेरा मानना तो मैं खुश हूँ चार साल से खुश हैं युवा लेकिन आपसे एक बयान पूछना एक सवाल और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार सफल या विफल सफल है सफल है किस तरीके से क्योंकि आ, लोगों को कई लोगों को तो जॉब मिली है ठीक है खुश हैं। बात करती हूँ मैं इनसे आपको क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल से खुश या ना खुश मैम मैं, मैं कई मामलों में खुश भी हूँ कई मामलों में नाखुश भी हूँ क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं और मैं नाखुश इसलिए हूँ क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट्स की मतलब मैम जो लगता नहीं मिली है किसी को भी तो इस मामले में ना खुश भी हूँ चलिए ये मोदी सरकार के खुश बैलेंस डिप्लोमेटिक आंसर था इनका प्रति उनकी तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल कितने कामयाब रहे कितने नाकामयाब क्या लगता है अगले साल इसके बलबूते बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी जहाँ तक तो मुझे लगता है युवाओं की सोच को लेकर तो 2019 में उनकी सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि जितना अच्छा वो बोलते हैं तो उनको उतना अच्छा करना भी आना चाहिए रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहिए रोजगार के मुद्दे पे तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना उन्होंने बोला है कि हाँ नौकरियाँ लगवाएंगे लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रोजगार के मुद्दे पे खुश है ना खुश ना खुश ना खुश है चलिए बढ़ते हैं आगे क्या कहना है मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल पे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्यों खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने जो नोटबंदी का वो करा था राती रात ही रात नोटबंदी लगा दी थी कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नोटबंदी से आपका मतलब ये कि नोटबंदी से आप मोदी मतलब सरकार को पूरा आंखती है की नोटबंदी अगर लगा इसलिए मोदी सरकार फेल नहीं उन्होंने ऐसे बहुत भी करे उन्होंने बोला था कि मतलब महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए ये सब करेंगे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ महिला सुरक्षा पे सफल है या विफल है मोदी सरकार सफल तो है ही नहीं ऑफिसली मुझे तो कहीं से भी कहीं तक नहीं लग जाए उन्होंने जो बोला है तो महिला सुरक्षा पे विफल है मोदी सरकार इनका कहना आप की तर, आप है आपकी तो आपका क्या मानना है मोदी सरकार के चार साल से खुश है या ना खुश मैम देखिए सबसे पहले तो हर चीज के पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इतने सालों से जो इंडिया में सब कुछ चलता आ रहा है काफ़ी चीज़ें नेगेटिव है जिनको पॉजिटिव करने में उनको काफ़ी टाइम लगा है और उन्होंने पॉजिटिव किया भी है अगर हम मैं ब्लैक मनी के ऊपर बात करूं, ब्लैक मनी कोई एक दो रुपया नहीं है करोड़ों का घोटाला होता है इंडिया में जिसको प्रूफ करने के लिए और जिसको सही करने के लिए टाइम लगता है तो जब उनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम तो जनता है इसमें हमें तो उनको सपोर्ट ही करना चाहिए तो मैं इस चीज़ का फेवर ही लूँगी कि उन्होंने ये डिसीज़न जो लिया बहुत अच्छा लिया है और रोजगार के मुद्दे पे महिला सुरक्षा जीएसटी नोट बंदी नोटबंदी क्या कहेंगी जीएसटी जीएसटी मुझे लगता नहीं कि मतलब इतना एप्लीकेबल है क्योंकि आज के टाइम में इतना बिजनेस नहीं है जो एक को जीएसटी नंबर लेना पड़े मोदी सरकार के चार साल से खुश है आप जी मैं खुश हूँ इस बात पे। खुश हैं ये इनका कहना कहीं मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है चार साल में आपका क्या मानना है मोदी सरकार के चार साल खुश या ना खुश अगर देखा जाए तो उसके पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी जहाँ उन्होंने इतनी सारी योजनाएं बनाई वहाँ वो थोड़ी सफल भी हुई थोड़ी विफल भी हुई सफल इसलिए हुई क्योंकि जिन लोगों को उस योजना के बारे में अच्छे से पता था जिस प्रोसेस के बारे में पता था उन लोगों ने वो योजना का लाभ उठाया बट जिन लोगों को नहीं पता था वो अभी भी इससे आज भी इससे अनजान है और अगर देखा जाए तो दो में बुलेट ट्रेन आने वाली है हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे बन रहे हैं लेकिन अगर वहीं सुरक्षा की बात की जाए महिला सुरक्षा की बात की जाए तो वो तो कांग्रेस में भी नहीं थी और वो इसमें भी नहीं है तो ना कांग्रेस उसके लिए हाथ कभी उन्होंने ना बीजेपी बढ़ा रही है तो इसके लिए उनको कदम उठाना चाहिए रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी एक युवा होने के नाते क्या अपील है क्या लगता है सफल है या विफल है पीएम मोदी रोजगार में वो विफल है क्योंकि जितने लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहे ताकि वो पकौड़ों की जाके रेडी लगाए और उनको उस हिसाब से रोजगार मिल भी नहीं रहा लोग इतना पढ़ लिख के घर पे बैठ जाते हैं इसका क्या फायदा हुआ वो ऊपर से बयान दे बोलते हैं कि अपना स्वराज खोलो अपना स्वराज खोलो और पकौड़े बेको इसके लिए जी बाकी और पकौड़े बेचो आपका क्या मानना है क्या लगता है मोदी सरकार के चार साल आपकी नजरों में कितने खड़े उतरे हैं सही या फेल मैं पूरी तरीके से तो खुश नहीं हूँ पर हाँ समहाऊ आई एम हैप्पी क्योंकि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव तो होते ही हैं अब जैसे जब नोटबंदी आई थी तब भी लोगों ने बैंकों में जा जाकर कितने लोग उस टाइम मरे थे और कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया था और वहीं देखा जाए जब जी आया था तो गुजरात में कितना वो जो व्यापारी थे उन्होंने हड़ताल करी और कितना कुछ हुआ तो वही है कि नेगेटिव तो है ही और साथ के साथ पॉजिटिव भी है सम रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार फेल या पास फेल क्योंकि महिला सुरक्षा पे जितना मोदी जी ने कहा था उतना तो उन्होंने करा नहीं है और ना ही रोजगार पे करा है इतना तो क्या साल वोट करेंगी साल दो हजार उन्नीस पे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोच सकती हूँ सोच सोचा नहीं है क्या लगता है अगले साल आएगी मोदी सरकार लगता तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं युवा होने के नाते क्या सोचती कहीं ना कहीं काम कही तो उन्होंने करा है तो शायद लोग उनसे इन्फ्लुएंस तो है ही तो शायद मोदी सरकार कहीं ना कहीं दोबारा आ सकती है काम किया है और मोदी सरकार अगले साल आ सकती है ये इनका मानना है तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम जिसमें हमने युवाओं की राय ली कि आखिर युवा क्या चाहते हैं पीएम मोदी से और चार साल उनकी नज़रों में कितने खरे साबित हुए हैं कुछ ने खुशी जताई है कुछ ने नाखुशी जताई है हालांकि जितने लोगों से हमने आपने खुद देखा होगा उसमें से ज्यादातर युवा जो है वो मोदी सरकार के चार साल से नाखुश बताए जा रहे हैं महिला सुरक्षा हो जीएसटी हो नोटबंदी हो बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार से लोगों की नाखुशी भी है और खुशी भी है है। और सही कहा हर स्थिति के दो पहलू होते हैं लेकिन फिलहाल इन सब का परिणाम अगले साल लोकसभा 2019 में देखने को मिलेगा कि मोदी सरकार के चार साल कितने खरे साबित होते हैं हो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता का स्वाद चख पाएंगे नमस्कार